सरोपा जी, अगर बात करें ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर 2-2% की करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं कि ग्वार गम 12,000 से नीचे लुढ़क चुका है, 11,700 के घरों में कारोबार कर रहा है और ग्वार सीड 6,300 के घरों में। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, ये जो प्रॉफिट बुकिंग बनी है, कि यहाँ से एक बार फिर से ग्वार गम और ग्वार सीड तेजी पकड़ेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और ज्यादा गहराएगी? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को जरूर मिल रही है, ऊपरी तरफ से करेक्शन है, लेकिन अखिलेश इसमें भी तेजी का ही रुझान है। अभी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, आप देखिए लगातार बाजार 11,000 के ऊपर सस्टेन है और सीड की बात करें तो सीड भी 6,300 मतलब 6,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें गिरावट की उम्मीद है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ग्वार गम और ग्वार सीड की अगर बात करें तो गम आने वाले दिनों में जैसे कि मुझे लगता है कि 12,000 के ऊपर हमने इसको हाई लगते हुए देख लिया है, 13,000 के ऊपर निकल सकता है। वहीं सीड की बात करें तो 6,500 के बाद 6,800 से लेकर 7,000 के सर सीड भी दिखा सकता है और लंबा टारगेट ग्वार का देखें तो 13,000 से 15,000 के सर गम छुपी हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, अभी इनके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी,